हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये देखिए, आज मैं इसमें थोड़ा सा गेहूं की दलिया बनाने जा रही हूँ, मीठी। तो मैंने सोचा आप लोग को भी शेयर कर देते हैं। ये देखिए, ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, गैस चला दिया। अब इसमें हम डालते हैं घी। और ये देखिए, ये मेरी दलिया है, ये गेहूं की दलिया है, ये चौकी नहीं है। ये देखिए, तो ये आधा कप दलिया है। देखिए, ये आधा कप दलिया है, एक आदमी के लिए काफी होगी। इसमें थोड़ा घी डालते हैं, ये घी मेरा शुद्ध होता है। ये देखिए, इसको ढकते रख देते हैं। अब थोड़ा कढ़ाई गर्म हो जाए, इसके बाद मैं इस दलिया को, इसको मैंने धुल के रखा हुआ है, अब इसको मैं इसमें फ्राई कर लेती हूँ। तो साफ कर लेना चाहिए तुरंत, जब बाजार से आती है तुरंत आप इसको बीन लो। इसका कीड़ा, मतलब कीड़े हो, कभी कभी राई के दाने होते हैं, तो ये सब कुछ बीन लेना चाहिए। तो देखिए, ये बीन के साफ करके रखा हुआ है। अब ये मैंने इसमें डाल दिया है, इसको हल्का हल्का धीमी आंच पे इसको फ्राई करेंगे। ये सुबह के लिए ब्रेकफास्ट अच्छा होता है, मीठा बना दीजिए, कभी नमकीन बना दीजिए। देखिए, देखिए मेरी दलिया देखिए भुन गई, सब अलग अलग हो गई। ये अच्छे से इसमें ला रही। देखिए, अब इसमें हम डाल देते दूध। ये देखिए, इसमें मलाई वाला है। ये देखिए मलाई, ये देखिए मैंने मेवे काटे हैं, ये मखाना है, ये बादाम है, ये देखिए ये काजू है, और ये अखरोट, ये इतना मेवा काटा हुआ है मैं इसमें डालूंगी। ये मखाना, ये बादाम, ये काजू, काजू, ये अखरोट, ये देखो, और थोड़ी सी इलायची। देखिए, मैं मेवा मिक्स कर देती हूँ, किशमिश भी डाल देते हैं। किशमिश जब दूध उबलने लगे तब डालिए, नहीं तो दूध को फाड़ देती है किशमिश। थोड़ा अंगूर को होता है ना, खटास होती है, इसलिए अगर किशमिश जो है डाल दिया तुरंत तो चलाया नहीं, तो कभी कभी दूध फट जाता है, हमेशा नहीं फटता, लेकिन कभी कभी ये फट जाता है। तो किशमिश डालने के बाद थोड़ी देर चलाते रहें, कोई रिस्क ना लें। मेरी बन रही थोड़ा, दलिया पक गई है, इसमें डाल देते हैं चीनी। बस इतना ही डालेंगे, ज्यादा मीठा नहीं पसंद है। बस सारे मेवे देखिए मेरे पक गए, ये देखिए, और दलिया मेरी पक गई है। देखिए, और ज्यादा गाढ़ी नहीं करेंगे, नहीं तो अभी रखने में भी ये थोड़ा गाढ़ी हो जाती है। और देखिए दलिया पक भी गई है, इसको और ज्यादा गाढ़ी कर देंगे तो अभी रखने पर ये जम जाएगी, इसलिए गैस को कर देते हैं बंद। अभी बहुत देर कढ़ाई गर्म रहेगी। ये तैयार हो गई, आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज देखिए, रेडी हो गई है। ये इस तरह है, इतनी गाड़ी में रखूंगी। ये देखिए, ये अभी हम उठा के रख देंगे, थोड़ी देर में जम जाएगी। अब इसको हम सर्व करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको सर्व कर रही हूँ, देखिए जम गई। ये देखिए, बस 2 मिनट में दलिया जम गई है। देखिए, देखिए बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी दलिया, और सुबह के लिए बहुत ही पौष्टिक। ये बच्चों को भी दीजिए, आप लोग भी वर्किंग है तो खाइए, और बहुत फायदे की दलिया है। सुबह सुबह संपूर्ण आहार है,
रोटी पराठा बनाए या ना बनाए, लेकिन ये जरूर बना खा लें, आप खुद भी बनाए, अपने शरीर का भी ध्यान रखें। हम औरतें थोड़ा सा अपने लिए केयरलेस होते हैं, बाद में पता चलता है, जब हमारी लोगों के एज पे आप लोग पहुंचोगे तो पता चलता है कि ये देखिए ये तैयार हो गया मेरा। ये देखिए ये थोड़े से मखाने डाल दिए ऊपर से। ये देखिए कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।